मैं आपको मैं कॉल के अंदर एडिट मेन्यू के बारे में बताऊंगा कि एडिट मेन्यू का यूज हम कैसे करते हैं तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं तो मैंने कॉल ओपन किया हुआ है अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा कि सभी टूल्स का यूज हम कैसे करते हैं और फाइल मेन्यू का यूज हम कैसे करते हैं तो आज हम सीखने वाले हैं एडिट मेन्यू तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडू जैसे मान लीजिए कोई भी हमने एक सेप बनाया और मैंने इसमें एक और यहाँ पे सेप बनाया और यहाँ पे ऐसे सेप बनाया और यहाँ भी एक सेप बना लिया और सभी में डिफरेंट डिफरेंट में कलर डाल देता हूँ जैसे दे दिया इसमें ब्लू इसमें स्काई ब्लू इसमें दे दिया मैंने ग्रीन और यहाँ दे दिया मैंने रेड मैं चाहता हूँ मुझे कलर को दोबारा हटाना है तो वापस मैं अंडू कर सकता हूँ अंडू मतलब गो टू बैकवर्ड शॉर्टकट की होती है कंडो प्लस जेड आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो वापस आप यहाँ पे बैक आ सकते हैं ये देखिए मैं चाहता हूँ मुझे दोबारा वहीं पे जाना है जहाँ पहले था तो अभी मैंने बैकवर्ड किया अब हमें क्या करना है फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडियो ऑप्शन का यूज करना है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और जेड तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये कलर हमारा दोबारा से वापस आ गया ये देखिए तो अंडू का मतलब होता है गो टू बैकवर्ड रेडियो का मतलब होता है गो टू फॉरवर्ड उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रिपीट फिल रिपीट एक बटन है हमारा जो लास्ट एक्शन को बार बार रिपीट करता है इसकी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल आर तो मैंने क्या किया देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक सेप बनाया और मैंने इसको उठा कर के यहाँ रखा अब मैं यहाँ पे रिपीट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा उसी पोजीशन को आगे वो बढ़ाते जाएगा उसी पोजीशंस में जो हमने लास्ट में काम किया था ये देखिए मैंने इसमें क्या किया यहाँ पे उठा के मैंने यहाँ डाल दिया अब जब यहाँ जाकर मैं रिपीट करूँगा तो आप देख सकते हैं उसी लास्ट एक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है वो ये देखिए तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स तो रिपीट का मतलब होता है कि लास्ट एक्शन को आप बार बार रिपीट कर सकते हो वैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे को मैंने यहाँ रखा सपोज यहाँ पर अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो लास्ट एक्शन जो आपने काम किया था उसको और रिपीट करेगा ये देखिए आप ये देखिए तो आपको समझ में आ आगेगा फ्रेंड्स रिपीट क्या होता है ये देखिए एक दिया है हमारा कॉपी कट कॉपी और पेस्ट तो कट क्या होता है जैसे किसी सेप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हमें यहाँ पे करना पड़ता है कट मैंने कट पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे से हट गया और पेस्ट करने के बाद आप उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं ये देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कलर हैं यहाँ पे, दो सेप्स है जिसमें कलर सेम है मैं चाहता हूँ मुझे इसका डुप्लिकेट चाहिए तो आप यहाँ पे कॉपी करके और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो उसका क्या है डुप्लिकेट आ गया है? ये देखिए ये दो से तीन हो गए तो कट और पेस्ट का यूज तब करते हैं जब किसी सेप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो और कॉपी और पेस्ट का यूज़ कब करते हैं जब हमें किसी चीज़ का डुप्लिकेट करना होता है एक ही सेप का अब दिया हमारा पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल में क्या होता है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अदर सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे जैसे ये पावर पॉइंट ओपन कर लिया ये हमारा पावर पॉइंट ओपन हो गया यहाँ से मैंने एक नया पेज लिया लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड जैसे ये सेप्स से है तो मैंने इसके अंदर यहाँ से फॉर्मेट जा करके कुछ कलर फिल कर दिया है ये देखिए इस तरीके से और यहाँ पे मैंने टैक्स के लिए कुछ ऐसा फॉर्मेट ले लिया और यहाँ पे हमने टाइप किया जैसे कॉरल ड्रो और इसको मैं छोटा कर देता हूँ ये देखिए तो अब मैं चाहता हूँ कि इस सेप को मुझे यहाँ से कॉपी करके कॉरल में ले जाना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए बॉर्डर पे और मैंने यहाँ पे क्या किया यहाँ से कॉपी कर दिया और कॉरल में आकर के यहाँ पे आकर देखिए अगर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा वो इस तरीके से आ रहा है बिल्कुल एक सेप बन करके यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे कुछ एरर भी है इसमें लाइनें वगैरह बीच में आ गई लेकिन पेस्ट स्पेशल से का, का काम क्या होता है कि जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर से कॉपी करके आप यहाँ पर एच ई डी लाना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल यूज करेंगे आप जैसा यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले पावर पॉइंट के अंदर इस सेप को तो वैसे ही यहाँ पर दिखाई देगा तो आपको क्या करना है यहाँ से पेस्ट स्पेशल करना है और देखिए इसमें तीन ऑप्शंस है मैं आपको तीनों को करके दिखाता हूँ पहला पिक्चर है मैंने यहाँ ओके कर दिया तो पिक्चर में कुछ ऐसा आ रहा है ये देखिए जैसा हमारा पेस्ट में आया था फिर दोबारा मैं इसमें पेस्ट स्पेशल में चला गया और यहाँ से कर दिया बिट मैप बिट मैप ओके कर दिया तो आप देख दे सकते हैं कि एजिटी जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट में दिया हुआ है हमारा सेप सेम वैसा ही यहाँ पे हमारा कॉरल में बन के आ रहा है ये देखिए आप डिफेंड दे सकते हैं तो पेस्ट स्पेशल का यूज कब करते हैं जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो कॉरल में लाने के लिए हमें पेस्ट स्पेशल करना पड़ता है तो मैंने यहाँ पर हैंटू लिया फ्रेंड्स और मैंने इस सेप इस सभी सेप को मैंने ऊपर कर दिया अब मैं आपको बताता हूँ डिलीट डिलीट सिंपल सा है देखिए मैं दोबारा इस पेज को ले आता हूँ वापस मुझे इन सभी को डिलीट करना है तो सिंपल सा है मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाकर क्या कर दिया डिलीट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से एडिट में जाकर के क्या कर दिया डिलीट इस वाले सेप पे क्लिक किया और यहाँ पर एडिट में जाकर के और यहाँ से क्या कर दिया मैंने डिलीट यहाँ से मैंने यहाँ पे यहाँ से मैंने क्या कर दिया डिलीट तो इस तरह से आप कोई भी सेप सेलेक्ट करके और सीधा एडिट में जा करके और डिलीट कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा करके भी डिलीट कर सकते हैं तो बात एक ही है अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स सेम्बल्स क्या होता है सेम्बल में जिसे मान लीजिए कोई भी एक सेप आपने बना लिया ये देखिए कुछ ऐसा और मैंने क्या किया इसमें यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका इस तरह से बना दिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी करते गया ये देखिए मैंने कुछ ऐसा बना लिया सपोज ऐसा सेप अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है हमारा जो हमने काम किया है एक मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया आउटलाइन में कलर आ गया और इसको मुझे सिंबल में एड करना है सिंबल से क्या होगा जैसे देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली मैंने इसे सेलेक्ट किया एडिट में गया और यहाँ से कर दिया सिंबल और यहाँ से न्यू सिंबल और कोई भी एक नाम दे दो यहाँ मैंने दे दिया माई न्यू सेप और क्या कर दिया मैंने ओके okay. इसे आप डिट कर दीजिए मैंने इसे एडिट कर दिया अब मुझे वो सेप कभी भी चाहिए तो मैं सिंबल जा करके और यहाँ पे जाऊँगा सिंबल मैनेजर में और यहाँ पे देखिए ये सेप हमारा दिखा रहा है तो वैसे अगर और भी अदर सेप बहुत सारे एड कर सकते हैं कर सकते हैं सिंबल में तो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी पूरी तो जिस सेप को आपको यहाँ पे दोबारा एड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से कर सकते हैं इंसर्ट वो आपका यहाँ पर आ जाएगा जब भी आपको चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट करिए वो सेव आपका यहाँ पे आ जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे सिंबल में जो यहाँ पे दिखा रहा है ये तब तक आपका यहाँ पे दिखाएगा जब तक आपका कॉल ओपन है अगर आप कॉल बंद कर देते हैं तो आपका सिंबल में जो भी आपने सेव किया हुआ है वो आपका चला जाएगा यानी कि सिंबल का यूज़ हम जो करते हैं ओनली वर्किंग टाइम में जब हम कोई काम करते रहते हैं उस समय हमें सिंबल का यूज करना पड़ता है बाकी देखिए फ्रेंड्स नीचे दिया हुआ एक डुप्लीकेट डुप्लीकेट का मतलब होता है किसी चीज का डुप्लीकेट करना जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सेप है और मैंने इसमें कलर डाल दिया पिंक मुझे सेप इस सेप का डुप्लीकेट चाहिए तो आप यहाँ पे एडिट में जा करके और यहाँ से क्लिक कर सकते हैं डुप्लीकेट पर ये मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं उसका एक डुप्लीकेट आ गया वैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल डी करके दोबारा से उसी सेप का डुप्लीकेट कर सकते हैं ये देखिए और एक दिया है क्लोन देखिए जैसे मैंने ये क्या किया इस वाले सेव का इसका डुप्लीकेट किया फिर इसका डुप्लिकेट किया लेकिन अगर इस वाले सेव का मैं यहाँ पे क्लोन कर देता हूँ ये देखिए क्लोन मैंने कर दिया तो डुप्लीकेट आ गया तो ये हमारी मेन फाइल है और ये इसका एक कॉपी हो गया किससे मैंने किया किया क्लोन से तो क्लोन जब हम करते हैं तो क्लोन सेप क्या होता है कि, कि किसी भी सेप पर एक बार उसे डुप्लीकेट कर सकते हो उस सेप का दोबारा डुप्लीकेट नहीं कर सकते ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए ये क्या है क्लोन से ये जो कॉपी किया हुआ है क्लोन से किया हुआ है लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करके ये हमारी मेन फाइल है पहले वाली इस पर क्लिक करके मैं दोबारा क्लोन करना चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ लेकिन जो क्लोन से डुप्लीकेट हो गया वो डुप्लीकेट करने के बाद इस पर दोबारा आप क्लोन का यूज नहीं कर सकते तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा तो दोनों काम हम डुप्लिकेट करना होता है और जहाँ पर जिसके होता है वहां पर हम इसका यूज करेंगे अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इन सब को क्या कर दिया डिलीट कर दिया क्लिक करके और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टी फॉरम ये क्या होता है हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और मैंने सेप लिया और इसे मैंने डाल दिया ब्लू ब्लू कलर एडिट में देखिए कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होता है जैसे इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से इसका आउटलाइन कर दिया मैंने आउटलाइन पेन में जा करके और यहाँ से मैंने इसका आउटलाइन दे दिया आ, ग्रीन कलर और यहाँ पे इसका साइज दे दिया मैंने 24 फोर ये देखिए ट्वेंटी फोर पिक्स वो है पॉइंट इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे गया आउटलाइन में और यहाँ से इसका जो आउटलाइन है मैंने ले लिया यहाँ से येलो और यहाँ पे जाकर के मैंने इसका साइज ले लिया जैसे सिक्सटीन पी ओके कर दिया तो देखिए इसका साइज बड़ा है आउटलाइन इसका छोटा है इसमें अंदर कलर दूसरा है इसमें अंदर कलर दूसरा है तो एक कॉपी प्रॉपर्टी फोरम होता है हमारा जिसका काम क्या होता है किसी भी शेप में से आप आउटलाइन कलर आउटलाइन का उसका साइज प्लस फील कलर कॉपी कर सकते हैं जैसे सपोज मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया बड़े वाले शेप पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसमें जो आउटलाइन कलर जो है येलो वो इसमें आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है एडिट में जाना है कॉपी पोपर्टी फोरम में जाना है आउटलाइन पेन जो होता है इस वाले शेप का साइज आउटलाइन कलर जो यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है और ये आपका फिल फिल मतलब अंदर का कलर आप चाहते हैं मुझे इसका साइज जो है सिक्सटीन है और इसका साइज हमारा ट्वेंटी फोर है तो ये जो सिक्सटीन साइज है अगर इसका साइज कॉपी करना चाहते हैं और कलर भी कॉपी करना चाहते हैं तो आपको आउटलाइन पेन और आउटलाइन कलर पर क्लिक करना पड़ेगा लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अंदर का जो कलर है वो भी आ जाए तो उसके लिए फिर फील पे भी क्लिक करना पड़ेगा यानी कि तीनों चीज़ें कॉपी करके देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया इस पर क्लिक किया अब ये एरो दे रहा है कि इस शेप पर तो मैंने क्लिक किया हुआ था अब ये कह रहा है कि कॉपी जो करना है कहाँ से करना है तो मुझे यहाँ से करना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं तीनों चीज़ कॉपी होके इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया तो इस तरह से हम कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म का यूज कर सकते हैं तो सिंपल सा जो इसका काम है किसी भी शेप में से आप उसका आउटलाइन साइज आउटलाइन उसका कलर और प्लस फील कलर कॉपी करके किसी दूसरे शेप में डाल सकते हैं इसको मैंने डिलीट कर दिया अब देखिए फ्रेंड्स स्टेप एंड रिपीट का यूज हम कैसे करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा सेप बना लेता हूँ ये देखिए और मैंने क्या किया एडिट में जा करके और यहाँ पे मैंने चूज कर लिया स्टेप एंड रिपीट तो यहाँ पे एक पैनल खोल के आ गया अब देखिए ये है आपका हॉरिजेंटली सेटिंग और ये आपका है वर्टिकली सेटिंग जैसे मान लीजिए किसी भी सेप का मुझे यहाँ पे इसका जैसे दस डुप्लीकेट करना है राइट right में ओके तो ये हो गया हमारा हॉर्जेंटल ये देखिए तो यहाँ पे देखिए ये राइट और यहाँ पे लेफ्ट के दो ऑप्शन आते हैं तो मुझे अगर इसको नीचे वाले को यूज नहीं करना है तो यहाँ जा करके मैं क्या कर दूंगा नो ऑफ सेट याद रखना फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे जा करके मैंने कर दिया स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट ये आपका डिस्टेंस है कि एक सेप के बाद जो इसका डुप्लीकेट होगा वो कितना गैपिंग आएगी अब प्लस ये कहाँ चाहिए डायरेक्शन लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं तो मुझे चाहिए राइट में और कितने कॉपी चाहिए इसके तो एक हमारे पास पहले से है मैंने यहाँ डाल दिया कि मुझे इसकी नाइन कॉपी और चाहिए तो दे दिया नाइन और क्या कर दिया अप्लाई तो आप देख सकते हैं इसका नाइन डुप्लीकेट होके आ गया यानी कि वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन सेप हो गए अब मैं चाहता हूँ कि इसी सेप का डुप्लीकेट मुझे नीचे भी करना है तो एक पहले से है मुझे नौ और करना है वर्टिकल में तो मैं यहाँ जा कर के इसको कर दिया नौ ऑफ और यहाँ पर जा कर के मैंने कर दिया स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस है कितनी गैपिंग जो होगी ऊपर से नीचे उसके बीच में कितनी गैपिंग होगी अब प्लस यहाँ पे डायरेक्शन है कि अप मतलब ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए तो मैंने कर दिया यहाँ पे डाउन मुझे नीचे चाहिए और एक पहले से मुझे नो कॉपी और चाहिए तो यहाँ कर दिया मैंने अप्लाई तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स तो आप ऊपर से नीचे से सब जगह से बराबर है तो किसी भी सेप का मल्टीपल कॉपी करना हो तो आप यहाँ पर स्टेप एंड रिपीट का यूज करके आसानी से कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तो मैंने इसे यहाँ से क्लोज कर दिया और इन सभी सबको सेव को सेलेक्ट करके और मैंने इसे डिलीट का बटन दबाकर डिलीट कर दिया तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टेप एंड रिपीट का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर ओवर प्रिंट आउटलाइन और ओवर प्रिंट फील का यूज हम कैसे करते हैं ओवर प्रिंट बिट मैप और ओवर प्रिंट हिंटिंग इन चारों का यूज तो इनका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वी में जा करके के और यहाँ पे दो ऑप्शन है सिमुलेट ओवर प्रिंट और रेस्ट्राइज कम्पलेक्स इफेक्ट इस पर क्लिक करना होता है तो मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चेक कर दिया क्लिक कर दिया अब मुझे यहाँ पे इसका यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है तो देखिए यहाँ मैंने एक सेव बनाया ऐसे बहुत सारे सेब बना लिए ऐसे डुप्लीकेट ये देखिए ठीक है ये देखिए ये हमने कुछ ऐसा बना लिया इस टाइप से और सभी में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल दिया ये देखिए कुछ ऐसा डाल दिया मैंने कुछ ऐसा कुछ ऐसा ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब में कलर फिल कर दिया और मैंने यहाँ पे एक और डुप्लीकेट करके यहाँ भी कर दिया और इसमें भी कलर मैंने चेंज कर दिया ये देखिए तो अब ये देखिए फ्रेंड्स ये दिख रहा है कि एक सेप एक के ऊपर एक रखा हुआ है लेकिन सबको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे आपको भी बताया था कि इनका यूज़ करने के लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है सेमलेट ओवर प्रिंट और ड्रेस ट्राइज कम्प्लेक्स इफेक्ट अब एडिट में जा करके मैंने यहाँ पे ओवर प्रिंट आउटलाइन पे क्लिक कर दिया और ओवर प्रिंट जैसी फील्ड पे क्लिक करूँगा आप दे सकते हैं ये ये सेप्स इस तरीके से आपस में आर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानी कि दो कलर जब आपस में मिलते हैं तो उसका तीसरा कलर कौन सा बनेगा वो दिखा देता है जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये यहाँ पे अलग अलग कलर है मैंने ओवर प्रिंट लगा रखा है इस पर आप देख सकते हैं मिक्स करने पे क्या कौन सा कलर बन रहा है ब्लैक वैसे ही देखिए फ्रेंड्स ये दो शेप्स है ये देखिए आपस में कलर मिलकर इस टाइप से कलर बन रहा है अगर मैं आप कलर चेंज करता हूँ तो उसी हिसाब से यहाँ पर कलर को वो मैच करके बनाएगा ये देखिए इसे बोलते हैं ओवर प्रिंट तो कभी भी अगर इसकी जरूरत है तो आप यहाँ पे इसका इन सभी का यूज करके आसानी से कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स इसको मैं एडिट कर दिया और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सेलेक्ट का सेलेक्ट में क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट एक, आप एक आपका टैक्स है एक आपका गेड है तीन चीज़ है तो यहाँ पर ये तो हमारा क्या हो गया सेप और टेक्स्ट में यहाँ पर कोई टाइप कर देता हूँ जैसे मैं दे दिया यहाँ पे कॉरल ड्रॉ ये मैं टेस्ट टाइप कर दिया ये देखिए इसी का मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया अब ये दो हो गए ये देखिए सेब हमारे पास एक ही है मैंने यहाँ से एक और सेब बना लिया ये देखिए और मैंने इसमें कलर डाल दिया तो सेलेक्ट का काम जो होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ पिंक वाले को सिलेक्ट किया हुआ है ये देखिए मैं सिलेक्ट में जा करके और यहाँ से करता हूँ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी सेप्स यहाँ पे बने हैं सारे सेलेक्ट हो जाएंगे आप डिट करना चाहते तो डिलीट कर सकते हैं मैंने डिलीट का कीबोर्ड से मैंने डिलीट का बटन दबा दिया तो सारे डिलीट हो गए मैं एडिट में जाकर इसको वापस अंडू कर देता हूँ तो वापस आ जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्ट में जा कर के जैसे मुझे सिर्फ टैक्स वाले को ही सिलेक्ट करना है ओनली टैक्स तो यहाँ पर दिया हुआ टैक्स इस पर क्लिक कर दीजिए यह आपका यहाँ पर सिर्फ टैक्स ही सिलेक्ट हुआ है और कोई दूसरा शेप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा ग्रिड लाइन्स ग्रिड लाइन क्या होता है जैसे यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे कोई सेब बनाया ये सर्कल और मैं चाहता हूँ कि इसी के एकदम बिल्कुल बराबर मुझे इस सेब को रखना है तो ऐसे अंदाज से पता नहीं चल पाएगा तो मैंने यहाँ पे एक ग्रिड लाइन लगा दिया ये देखिए ऐसे आप इसको जहाँ चाहे भी रख दीजिए उसके बराबर ही आएगा इस लाइन को टच करके तो ये जो आपका ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है दोनों सेप यहाँ पे तो ये किससे आता है ग्रिड लाइंस इसे बोलते हैं ग्रिड लाइन्स तो ऐसे ही अगर हम काम करते हैं बहुत सारे ग्रिड लाइन बना लेते हैं इस तरीके से तो इन सभी ग्रिड लाइन को सिर्फ सेलेक्ट करना और किसी को नहीं तो उसके लिए हमारे पास एडिट में जा करके सेलेक्ट में जा करके और यहाँ पर दिया हुआ है ग्रिड लाइन्स अब मैंने की क्या कर दिया कीबोर्ड से की, डिट का बटन दबा दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ग्रिड लाइन्स यहाँ पर डिट हो गई तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस मतलब किसी वर्ड को फाइंड करना सेब को फाइंड करना तो यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ जाइए जैसे मुझे करना है फाइंड टैक्स मैंने दे दिया यहाँ पे कि यहाँ पे ड्रॉ कहाँ लिखा हुआ है तो फाइंड नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइन नेक्स्ट एक यहाँ लिखा हुआ है फाइन नेक्स्ट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट रीच इससे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है तो फाइंड मतलब किसी सेब को फाइंड करना ऑब्जेक्ट को टैक्स को फाइंड करना ये होता है फाइंड इंसर्ट बारकोट बारकोट क्या होता है फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके बैक साइड में या जहाँ पर रेट लिखा होता है वहाँ पर ना लाइनें होती है, धारी एक लाइनें होती है सीधी सीधी सी ब्लैक कलर की मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स बना करके तो इंसर्ट बार कोट में जाकर के तो मैंने यहाँ पर देखी यहाँ पर दिया हुआ है बारकोट का नंबर कितने रंग का बारकोट है तो मैंने सबसे मिनिमम ले लिया सबसे छोटा और यहाँ पर नंबर डाल दिया मैंने कुछ बारकोट के नंबर्स जो हमें परचेज करना पड़ता है यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया अच्छा यहाँ बार कोड का नंबर कम है फ्रेंड्स मैंने एक नंबर डाल दिया और यहाँ पे नेक्स्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार कोड बन के आ गया तो ये किसी एक प्रोडक्ट पे अगर हमें कोई बार कोड बनाना हो खुद का अपना तो आप हम वहाँ पर बना सकते हैं तो बार कोड प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर बार कोड बनाने के लिए इंसर्ट बार कोड का यूज करना पड़ता है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट होता है हमारा किसी कंपनी का तो उसके बैक साइड में इस टाइप का बारकोड बना होता है जिससे कंपनियाँ क्या होती है जैसे कोई भी मॉल्स या बड़े बड़े प्रोडक्ट जो सेल करते हैं तो जो भी एंट्री करते हैं वो बार कोड डिटर का यूज करके ही वो करते हैं उसके रेट और उसकी क्वांटिटी वगैरह तो बारकोड बनाने के लिए आपको यहाँ पर बारकोड का यूज करना पड़ता है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट ये क्या होता है फ्रेंड्स जैसे हमने ये कॉल ओपन किया हुआ है आप इसमें जा करके आप यहाँ से कोई अदर सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं सिर्फ कॉरल के अंदर जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ चूज कर लिया जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट या मैंने एक्सेल चूज़ कर लिया सबको देखिए यहाँ पे एक्सेल दिया होगा कहीं ना कहीं ये रहा माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल वर्कशीट और मैंने क्या कर दिया ओके okay. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह हमारा कोरल खुला हुआ है और इसी के अंदर हमारा एक यहाँ पे एक्सेल खुल के आ जाएगा तो अब ये प्रोसेस में है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए दिखा देगा आपको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक्सेल खुल के आ गया तो अब एक्सेल के अंदर आप जो भी काम करेंगे तो ये हमारा कॉल के अंदर आ जाएगा देखिए मैं यहाँ से इसको पेज को बड़ा कर लेता हूँ ये हमारा एक्सेल है और यहाँ पे जो जितने भी बटन्स यहाँ दिए हुए हैं सारे टूल्स वगैरह ये सब एक्सेल के लिए ही दिया हुआ ये है ये एक्सेल का पार्ट है एक्सेल में काम करके जो भी आपको काम करना है जैसे मैंने यहाँ पर सेट किया और यहाँ जा कर मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर ये देखिए और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये आपका टेबल कहाँ आ गया कॉरल में आ गया तो इस तरह से आप यहाँ पर इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो नीचे फ़ीचर्स हुए हैं ये रहा वर्कशीट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मुझे एक्सेल में और चेंज करना है तो एडिट कर देंगे और जैसे एडिट करूँगा यहाँ पे हमारा दोबारा से खुल जाएगा बाकी इसके और भी फ़ीचर्स है ओपन करना कन्वर्ट करना तो ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है लिंक वर्क ऑब्जेक्ट और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट ये सब किसी अदर सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उसमें हम चेंज करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं तो हम इनका यूज करके आसानी से कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वह है प्रॉपर्टीज इसमें क्या होता है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है एक है आपका फील एक है आपका आउटलाइन जो आपने टूल्स में पहले सीखा हुआ है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये आपका फील है और ये आपका आउटलाइन कलर है यह साइज तो जैसे ये सेप है आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो फील्ड में जा करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं ये देखिए जो भी आपको लेना ले सकते हैं आउटलाइन में जा करके आप इसका आउटलाइन भी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं ये देखिए तो आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी इसके अदर और, और भी फीचर्स है ये कलर सेटिंग्स वगैरह है तो मैं भी इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ बस आपको याद रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे एडिट में जाकर के प्रॉपर्टी का जो यूज करते हैं आउटलाइन कलर और फिल का ज़्यादा यूज करना पड़ता है हमें तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे एडिट मेन्यू के बारे में कंप्लीट ऑप्शन के बारे में सीखा कि ये सभी ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं एक बार मैं आपको फिर बता दूँ फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस और आपको किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए आपको हंड्रेड परसेंट उसका आंसर देंगे तो आज के इतना ही आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स